दोस्तों, इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में हमने महात्मा बुद्ध तथा बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। आज हम बौद्ध ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमन। आज हम यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में बौद्ध ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे। इन ग्रंथों से हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों, कई लेखक ऐसे हुए हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में ग्रंथ लिखे हैं, जिनसे बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। इनसे जानकारी प्राप्त कर बौद्ध धर्म को जानने में काफी हद तक सहायता मिलती है। अब देखिए दोस्तों, कई महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में लिखा है और उनके द्वारा लिखी गई कई रचनाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। देखिए, जैसे कि अश्व घोष, यह एक बौद्ध लेखक थे। अश्व घोष कनिष्क का दरबारी था और सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी का समकालीन था। तो कई बार अश्व घोष के बारे में पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो अश्व घोष है ये किसका दरबारी विद्वान था और ये कौन से सातवाहन शासक का समकालीन था। अश्व घोष अयोध्या का निवासी था। अश्व घोष को मगध पर आक्रमण करके कनिष्क अपने दरबार में लाया था। अब देखिए, जो अश्व घोष है इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं जो इस प्रकार से हैं। जैसे पहली रचना इनकी बुद्धचरित, बुद्धचरित है यह 97 सर्गों अर्थात अध्याय में बुद्ध की जीवन गाथा है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है। फिर है दूसरी है सोंद्रानंद। इस ग्रंथ में 18 सर्गों में बुद्ध के चचेरे भाई सोंद्रानंद के बौद्ध संघ में प्रवेश लेने का उल्लेख मिलता है। फिर तीसरी आती है इसकी सारिपुत्र प्रकरण। इसके 8 सर्गों में बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र के बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये जो आपका है सारिपुत्र प्रकरण, यह ग्रंथ मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है तथा भारतीय साहित्य का यह एक प्रथम और अधूरा नाटक है। ठीक है ना, प्रथम अधूरा नाटक पूछ सकते हैं एग्जाम में, कौन सा वो है आपका सारिपुत्र प्रकरण। सबसे प्राचीन और जो पूर्ण नाटक है वह नाटक है भास द्वारा रचित वासवदत्ता। ठीक है, हम यहाँ पर इस वासवदत्ता का इसीलिए यहाँ पर इसकी इसके बारे में आपको इसलिए बता रहे हैं कि भाई मतलब प्रश्न आ सकता है ऐसा कि सबसे पूर्ण नाटक और सबसे जो पहला जो अधूरा नाटक है वह कौन सा। तो अधूरा नाटक है सारिपुत्र प्रकरण और जो पूर्ण नाटक है वह है वासवदत्ता, जिसकी रचना भास ने करी है। अब देखिए बुद्ध घोष की रचनाएं, जो अगला आपका लेखक है वो है बुद्ध घोष और इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। बौद्ध ग्रंथों का सबसे बड़ा टीकाकार बुद्ध घोष को माना जाता है। बुद्ध घोष के द्वारा लिखित ग्रंथ विशुद्धि मग है और ये जो ग्रंथ है ये हीनयान शाखा का है। अब देखिए नागार्जुन की रचनाएं, नागार्जुन भी एक बौद्ध लेखक हुए हैं। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, ये प्रश्न भी कई बार आता है एग्जाम में। नागार्जुन ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है वो देखिए, माध्यमिक कारिका और प्रज्ञा पारमिता। अब आता है अगला लेखक असंग, इसकी रचनाएं। असंग की रचनाएं महायान शाखा से संबंधित हैं और ये निम्नलिखित रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं, सूत्रालंकार, लंकावतार, सूत्र। ठीक है, फिर आपका अगला आता है लेखक वसुबंधु, इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, प्रमाण समुच्चय और आलंबन परीक्षा। फिर अगले जो लेखक है वो हैं चंद्रगोमित की रचनाएं। ठीक है, और चंद्रगोमित ने रचना करी है शिक्षा समुच्चय की। फिर आता है धर्म कीर्ति, यह लेखक 7वीं शताब्दी के थे। धर्म कीर्ति नामक लेखक महायान शाखा से संबंधित भिक्षु थे, इन्हें भारत का कांट भी कहा गया है। अब देखिए जो अन्य बौद्ध ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे दिव्यावदान, यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। यह ग्रंथ हीनयान तथा महायान शाखाओं से संबंधित है। इसमें बौद्ध कथाओं का संग्रह है। इसकी आधी कथाएं
विनय पिटक से तथा बाकी की आदि कथाएं सूत्रालंकार से ली गई हैं। फिर अगला एक आपका और है महत्वपूर्ण ग्रंथ, वो है ललित विस्तार। यह ग्रंथ महायान बोध शाखा से संबंधित है और इसमें महात्मा बुद्ध की लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसकी रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं की, ठीक है ना, बल्कि कई व्यक्तियों ने मिलकर इसकी रचना करी है। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बोध ग्रंथों के बारे में चर्चा करी। अगले वीडियो में इसी प्रकार हम बोध धर्म से संबंधित अन्य जानकारियां भी प्राप्त करेंगे, अतः हमारे YouTube चैनल में बने रहें।